alaikum. This is our worksheet number 2 of class 4. Our unit number 2 is introduction to computer. Our question number 1 is write 5 points about digital computer. We have 5 points sikhne hain digital computer ke bare mein. The short note is the point number 1, a computer that accepts data in digital form. Number 2, the states of a digital computer typically involve on-off signals. Number 3, in digital computer, letter, words and whole text are represented digitally. Number 4, calculator and accounts machine are example of digital computer. Number 5, nowadays most of the computer available are digital computer. Number 1 point ka matlab hai, computer jo data accept karta hai, wo digital yani ke number ke form mein hota hai. Computer number 2 point ka matlab ye hota hai ke wo on off ke signals कनेक्ट करता है, कैच करता है. नंबर डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, लेटर्स और वर्ड्स भी नंबर के फॉर्म में होते हैं. नंबर 4 पॉइंट का मतलब ये है कि कैलकुलेटर और अकाउंट मशीन जो होती हैं वो एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर की. नंबर 5 पॉइंट का मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में भी डिजिटल कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं. अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ड्रॉ डायग्राम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. हमें एक डायग्राम बनानी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की. तो उसके अंदर सबसे पहले डेटा के बाद क्या है, इन करेंगे डेटा तो प्रोसेस होगा, देन जो प्रोसेस होगा वो स्टोरेज के फॉर्म में होगा, देन आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन. इट इज़ अवर डायग्राम. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विद इट्स रिलेटेड फीचर. हर टाइप लिखनी है कंप्यूटर की और इसके फीचर्स भी लिखने हैं, इसके फ़ायदे भी लिखने हैं. द आंसर इज एनालॉग. नंबर 1 क्या है, एनालॉग यूज इन स्पीडोमीटर ऑफ कार यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा. स्पीडोमीटर में यूज होता है कार के और कंटिन्यूस डेटा प्रोसेस करने के लिए. डिजिटल कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा यूज इन अकाउंटिंग मशीन. अकाउंटिंग मशीन में यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, यूज इन ICU स्पेस शिप्स. ICU में यूज होता है, स्पेस शिप्स में यूज होता है. आउटपुट रिसीव इन डिजिटल फॉर्म. इसके अंदर भी आउटपुट किस फॉर्म में रिसीव होता है, डिजिटल फॉर्म. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें आंसर लिखने हैं क्वेश्चन के, ये हमें याद आपको याद भी करने होंगे और आपको अपनी कॉपी में लिखने भी होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर. कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रोसेस करता है डेटा जो कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नेम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. हमें 3 टाइप्स के नाम लिखने हैं कंप्यूटर के, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होता है, सीपीयू प्रोसेसेस डेटा दैट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सीपीयू किस तरह से प्रोसेस करता है डेटा, जो भी हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके जरिए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है. व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या होता है, द डेटा विच वी फीड इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग एनी इनपुट डिवाइस. कोई वो डेटा जो कि हम फीड करते हैं कंप्यूटर में बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस की मदद से. दिस इज अवर वर्कशीट ऑफ क्लास 4. नाउ डू इट इन योर कॉपी. थैंक यू.